हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा आप देख ही रहे हैं भाई, आज हमारी एथर पे पड़ा हमारा जोमेटो का बैग। तो आज हम करेंगे भाई जोमेटो। तो यार देखा जाए तो भाई टाइम हो रहा है अभी 5:44 और मैंने जो भाई गिग बुक कर लिए हैं जोमेटो के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई मैंने बुक किया भाई 3 गिग अभी, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 11। भाई अभी 3 ही करें हैं, देखेंगे भाई 11 से 12 की ज़रूरत पड़ेगी तो कर भी लेंगे। वैसे जोमेटो को कोई भरोसा नहीं भाई, जो दे ही देता है। वैसे आज का वो कहाँ है भाई, देखें जरा हम ऑफ़र। अगर भाई हम देखें सैटरडे डिनर ऑफ़र जो चल रहा है ना, ये चल रहा है भाई 525 की अर्निंग पे 150 का इंसेंटिव 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, और 725 की अर्निंग पे 250 का इंसेंटिव। 725 यार 12 बजे तक पता नहीं भाई, हो भी चांस तो बहुत कम है, पिछली बार भी नहीं हुआ था यार। 500 भी एकदम लास्ट टाइम पे हुआ था। बाकी वही है भाई, मिनिमम 8 ऑर्डर होने चाहिए, 7 से 12 के बीच में, 3 घंटे 30 मिनट का लॉगिन टाइम चाहिए, कोई गिग इनकम्प्लीट, 1 गिग इनकम्प्लीट हो सकता है, बट हम कोई भी नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। अभी मैंने अपने 3 गिग्स तो बुक कर रखे हैं भाई, अपने 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 11। तो देखते हैं भाई 6 बजने का वेट करते हैं। और कई भाई लोग बोल रहे थे यार कि लास्ट वीडियो में ना कि हम 15 मिनट पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ यार कर सकते हैं भाई, बट यार दिक्कत पता है क्या है इसमें, वो जो अमाउंट ऑर्डर आएगा ना उसमें, वो अमाउंट हमारे इस ऑफ़र में वो क्या कहते हैं इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज यार ये 6 बजे से ऑफ़र है स्टार्ट। और अब 6 बजे से ऑफ़र स्टार्ट है तो भाई हम 5:45 पे या 5:50 पे अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो वो अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वेट करते हैं भाई 6 बजने का, 6 बजे फिर हम लॉगिन करते हैं और फिर मिलता हूँ भाई आपसे लॉगिन करके मैं। तो देखते हैं भाई जोमेटो आज हमें क्या देता है। वैसे भाई उम्मीद तो है, आई होप शायद 525 की अर्निंग हो जाए जोमेटो के साथ, बस आई होप सो हो जाए। बस लास्ट भी एकदम लास्ट टाइम भी एकदम एंड टाइम पे हुई थी अर्निंग। बाकी मैंने कहा सैटरडे यार देखते हैं, क्या पता जोमेटो ही कुछ अच्छा कर दे। तो दोस्तों हमें हमारा पहला ऑर्डर मिल चुका है भाई लोग, यहीं पर इंस्टेंट नियर बाय पश्चिम, सॉरी मैकडी से पिकअप करना है यार ऑर्डर। और भाई इसमें अर्निंग है 77 रुपीज़ के आसपास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भाई ऑर्डर पिक करते हैं जोमेटो का मैकडी से, और देखते हैं भाई क्या इनकम होती है इसमें हमारी। मुझे यार यू टर्न लेके ही जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, पहला ऑर्डर अपना पिक करते हैं, आई होप इसके आगे भी बढ़िया ही रहे तो मज़ा आ जाए। तो दोस्तों ऑर्डर कर लिया भाई हमने पिक, छोटा सा ऑर्डर था यार बस। बट भाई ये ना मैकडी हर जगह है यार, किसी भी मैकडी चले जाओ भाई लेट करते ही करते हैं मैकडी वाले, पता नहीं क्यों यार। इनका ऑटो कुछ है एक्सेप्ट करने का, वो इनका ऑटो एक्सेप्ट हो जाता है। उसका भाई 10 मिनट तो नाना करते हुए लगा ही लो यार, 8 से 10 मिनट लेट होती है इनकी पिकअप हमेशा। चलिए कोई नहीं दोस्तों चलते हैं भाई, लगभग 7.5 किलोमीटर का रास्ता है। अरे वाह, लगभग 7.5 किलोमीटर का रास्ता है भाई ये, चलते हैं भाई। और मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पे जाना है यार, क्या कह सकते हैं भाई, क्या क्या चाहते हैं कस्टमर। चलिए चलते हैं भाई देखते हैं, आई होप बस फटाफट डिलीवर करें। और मौसम तो बढ़िया हो रहा है यार, थोड़ा चेंज हो रहा है मौसम, मज़ा आ जाएगा यार। तो दोस्तों भाई हमने ये ऑर्डर डिलीवर किया भाई, मेट्रो स्टेशन में गाड़ी खड़ी थी बस वहीं पे ऑर्डर डिलीवर किया भाई जोमेटो का। इसमें मैंने भाई 82 रुपीज़, 7.5 किलोमीटर ठीक है यार। अब देख भाई यहाँ पे तो हम आ गए हैं राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन, देखते हैं भाई हमें कोई ऑर्डर आता है कि नहीं यहाँ से, चलते हैं। छोटा सा ऑर्डर था यार बस, ये बढ़िया था बस, बट भाई अब देखना है यहाँ पे ऑर्डर आता नहीं, बिकॉज यार जोमेटो ने कुछ ज़्यादा ही दूर भेज दिया यार, मेरे को उम्मीद नहीं इस एरिया में यार, ऑर्डर चांस कम ही है वैसे। बाकी यार मिट्टी बहुत है इस एरिया में, बहुत मिट्टी है, आप खुद देख सकते हैं यार, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है। पोर्टर वालों के लिए तो बढ़िया एरिया है, शायद आता हो भाई यहाँ से ऑर्डर। अरे ब्लिंकिट वाले भैया, पोर्टर वाले के लिए तो शायद ऑर्डर आता हो यहाँ से, उसका आइडिया नहीं मेरे को भाई, कि मैं भी शायद फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। देखते हैं भाई वेट करते हैं हमें कोई सेकंड ऑर्डर मिले। तो दोस्तों ऑर्डर आ चुका है भाई हमारा, 35 रुपये का ऑर्डर है बस, छोटा ही है। चलिए कोई नहीं यार चलते हैं भाई, द हंगर पॉइंट राजधानी पार्क, बस सीधा ही रेस्टोरेंट है यार हमारा, बढ़िया ये सही है भाई, 160 किलोमीटर पर भाई इतना वेट भी तो किया यार। चलिए दोस्तों चलते हैं भाई। अरे भैया इस पे कमीशन वगैरह क्या काटता है जोमेटो?
हाँ 30%, मतलब आपको अगर 100 रुपये का माल है आपको 70 मिलेंगे। नहीं वो तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ाना ही पड़ेंगे यार, कहाँ से खर्चा निकलेगा। वो 30% के आसपास काटता ही है। कर दूँ पिकअप? हाँ अभी एक दो दिन ही हुए हैं भैया। थैंक यू भैया। तो दोस्तों चलते हैं भाई मुंडका। यार 30% काटता है भाई जोमेटो कमीशन, बहुत है भाई। रेस्टोरेंट यार छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं ना वो सही रहते हैं वैसे, कई बार तो पर कुछ भरोसा नहीं रहता भाई ऐसे। यार रेस्टोरेंट का कोई भरोसा नहीं है, बड़े रेस्टोरेंट जो मैकडी वगैरह हो गए, ग्रोवर स्वीट्स हो गए, भाई ये तो समझते ही नहीं है जोमेटो राइडर को कुछ भी। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैकडी में तो भाई बहुत बुरी हालत है, और ग्रोवर स्वीट्स तो और भी बुरी हालत है। बट छोटे रेस्टोरेंट वाले ना थोड़ा सा भाई थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते हैं कई बार। चलिए दोस्तों चलते हैं भाई, लगभग 1.5 किलोमीटर का ऑर्डर है भाई, 5 मिनट लगेंगे गूगल के हिसाब से, हम कहते हैं 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, और डिलीवर करते हैं फटाफट और वेट करते हैं उसके बाद अपने थर्ड ऑर्डर का। तो देखो दोस्तों भाई जोमेटो कहाँ कहाँ लेके आ रहा है यार आज, भाई क्या हो गया जोमेटो को भाई साहब, अरे बाप रे भाई कहाँ लेके आया जोमेटो में, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा भाई, ये कौन सी रोड है क्या है कुछ ध्यान नहीं। आई होप बस सही सलामत। अरे इंडस्ट्रियल एरिया भाई पूरा, बहुत मिट्टी है यार भाई। सही सलामत ऑर्डर डिलीवर करें और सही सलामत हम भी निकल जाएं बस बाहर, यहाँ से दूसरा ऑर्डर कहाँ मिलेगा यार, चांस ही नहीं है। कोई दे देगा वो लंबी पिकअप दे देगा भाई 4-5 किलोमीटर की, यही होता है जोमेटो का हमेशा, तो यही हुआ है मेरे साथ भाई। चलो वो भी दे दे यार, पर निकाले तो सही भाई, कहाँ दे दिया इसने। बट जोमेटो भी ऐसे मज़े करवा सकता है भाई, पहली बार देख रहा हूँ। अरे बाप रे भाई देखें भाई कहाँ से निकले हम भाई साहब, ये देखो यहाँ पे गाड़ी चलती कैसे होंगी यार, इतना कीचड़। अरे बाप रे, तो दोस्तों देख लो यार इस हाल में, अरे बाप रे भाई, भाई बंदे जाएं कहाँ से भाई, पैदल जाना पड़ रहा है ऑर्डर लेके। सही बता रहा हूँ जोमेटो ने भाई फंसा दिया पूरा, 35 रुपये का ऑर्डर है और अब आप खुद देख लो भाई गाड़ी खड़ी करके धूप पैदल जा रहे हैं हम भाई, कहीं से रास्ता ही नहीं है यार, इतना कीचड़ भाई। बंदा गाड़ी क्या चलाएगा यार, बंदा खुद भी चल जाए भाई बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं भाई, है 100 मीटर का रास्ता, हमें पैदल ही पार करना पड़ेगा भाई। बाइक वाले आ रहे हैं भाई, कैसे चलेंगे यार, ऊह भाई बहुत कीचड़ है। देखते हैं भाई ये डिलीवर करें अरे ऑर्डर, आई होप सो शांति से हो जाए बस भाई, बहुत चलना पड़ रहा है यार। तो दोस्तों जोमेटो का भाई स्वी ऑर्डर उठा के लाया हूँ मैं पश्चिम विहार से, ये देखो ये है भाई, छोटा सा ऑर्डर है बट भाई ये ऑर्डर जो है ना ये बहुत फंसाने वाला ऑर्डर हो गया भाई। ऑर्डर पता है अमाउंट आ रही थी 141 रुपये, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया बट ये बाकी जब पेमेंट मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। और 141 रुपये, और भाई ऑर्डर था 17 किलोमीटर का, और भाई जाना है हमने कंजावला विलेज भाई, इतनी बुरी हालात है ना यार, राजधानी पार्क से मैं इतना बुरा फंस के आया हूँ, सुल्तानपुरी भी घूम के आया, जोमेटो ने बहुत बुरी हालत, और भाई अब इतना लंबा ऑर्डर दे दिया यार। हम जोमेटो राइडर्स का ना यही होता है यार, हम अमाउंट देख के उठा लेते हैं और पिकअप भी पास की हो तो उठा लेते हैं, ड्रॉप तो पता चलता नहीं इसमें भाई, बस हो ज़्यादा सीन उसके बाद, एक्सेप्ट करने के बाद कोई कैंसिल का कोई सीन नहीं है भाई। कंजावला ना बहुत ही रिस्की एरिया है सही बताऊँ तो इस वक्त, बट अब क्या करूँ भाई, जोमेटो वाले ने ऑर्डर दे दिया है तो लेके जा रहा हूँ मैं, बट कुछ कंफर्म नहीं है भाई क्या हो, बट आई होप ये सेफली डिलीवर हो जाए यार ऑर्डर। मैं मानता हूँ अमाउंट अच्छी है सब कुछ है, बट भाई रात का टाइम है और अभी भी भाई 10 किलोमीटर पड़ा है, मैं मुंडका मेट्रो पे हूँ भाई, 10 किलोमीटर का रास्ता बचा है अभी भाई, कितना दूर हो गया है ऑर्डर भाई, इतना दूर तो शायद मैं भी नहीं सोच नहीं सकता भाई। यार साउथ वगैरह का होता ना फिर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी बिकॉज वो एरिया ना काफ़ी सेफ है, साउथ में हो जाता कहीं, बट यार कंजावला साइड भाई वापस तो ऑर्डर मिलना ही नहीं है कुछ भी, वापसी में कुछ भी नहीं मिलना, वापसी में ठन ठन को पाली आएंगे हम
बट भाई अब मैं क्या बोलूँ, बहुत गलत किया यार आज जोमेटो से, बहुत बुरी हालत है। ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए ना कि मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा यार, समझ नहीं आ रहा क्या करें भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं भाई, डिलीवर तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों भाई खेतों में ले आया पूरा जोमेटो, जोमेटो में भी ये हाल देखने को मिलेगा भाई, इतना दूर ऑर्डर भाई लंबा है, बहुत अच्छी बात है यार, बट कस्टमर का भी फ़ोन आ गया भाई, कह रहे हैं कब तक आ रहे हो भाई। यार क्या यार, जोमेटो ने ऐसी जगह फंसा दी है ना, बहुत बुरी हालत है भाई। ये क्या जगह है, छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भाई, सही कह रहा हूँ, खेतों में हूँ पूरा, कुछ नहीं पता चल रहा है मेरे को भाई मैं कहाँ हूँ। या आप खुद देखो यार, रास्ता देखो यार, इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ इतनी दूर आना ना बहुत रिस्क है। चलो कोई नहीं, हम रिस्क तो उठा लें भाई, बट एरिया भी सेफ नहीं है यार। मैं भी जितनी जल्दी हो सके ना ये ऑर्डर डिलीवर करके निकलूँगा इस एरिया से भाई, रात के टाइम ये एरिया सेफ नहीं है यार, बहुत ज़्यादा थोड़ा रिस्की है। और यार जोमेटो ने इतना बुरा किया ना, तो इसी एरिया में घुमाता रहा, राजधानी पार्क बहुत कीचड़ में से निकला हूँ, हद है यार, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो जोमेटो वालों, यार एक लिमिट होती है हर चीज़ की भाई। अब कोई पूछेगा ना कि बेस्ट ऐप कौन सा अर्निंग का, मैं कहूँगा भाई जोमेटो तो नहीं है, इतना कन्फर्म है, ओरो का मेरे को पता नहीं, पर जोमेटो बेस्ट ऐप तो नहीं है भाई किसी भी हाल में। ये जो इनकी चालें चल रही है ना भाई, लोगों राइडर्स को इंसेंटिव देते हैं और फंसा लेते हैं बस, जोमेटो का बस यही सीन है, राइडर को इंसेंटिव देके फंसाना, उसका राइडर फंस गया उसके बाद उसको ऑर्डर देंगे भाई, हम अमाउंट देख के उठा लेते हैं, ड्रॉप तो पता चलता नहीं हमें कहाँ है, हम लोग अमाउंट देख के उठा लेते हैं भाई कि 141 रुपये का ऑर्डर है, लालच हर बंदे को आता है भाई काम करते हुए, और जहाँ जब पता चला तो जहाँ से निकला था मैं भाई वहीं आके फंस गया, राजधानी पार्क से इतनी मुश्किल से पश्चिम विहार तक पहुँचा था, और पश्चिम विहार से फिर इसने मेरे को कंजावला फेंक दिया, मतलब हद है यार, एक हद होती है हर चीज़ की जोमेटो की। इतना परेशान तो भाई मेरे को ऊबर और रैपिडो ने नहीं किया कभी, ओला ने नहीं किया कभी, पोर्टर से भी कभी परेशान नहीं हुआ भाई मैं किसी चीज़ में, जितना मैं जोमेटो से परेशान हूँ भाई, हद है यार, गलती कर दी भाई ये वीडियो भी जोमेटो पे बना के, इससे अच्छा तो मैं शायद ऊबर ही करने निकल जाता, बट भाई पैसों की बात नहीं होती यार, थोड़ा रिस्क भी होता है हर जगह, काफ़ी रिस्की एरिया है ये। अब जोमेटो वाले क्या चाहते हैं भाई, कि सबकी आईडी, राइडर्स की आईडी बंद कर दें, कुछ कर दें भाई, कुछ भरोसा नहीं है इनका। चलिए कोई नहीं दोस्तों चलते हैं भाई, आई होप ये ऑर्डर बस सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाए, बस देखते हैं बाकी क्या होता है। बस 2.5 किलोमीटर का रास्ता बाकी है भाई, थोड़ा सा पहुँच ही रहे हैं बस कस्टमर के पास। हाँ 995 पेटीएम कर दो भैया, पेटीएम नहीं भैया कैसे देता है। चलो कोई नहीं, कैश ही दे दो। हाँ चलिए दोस्तों हो गया अपना कैश कलेक्ट। अब भाई जो जोमेटो ने हमें दिया है वो क्या दिया है भाई, 141 ऑर्डर का 51 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे भी दिया है, तो भाई 192 रुपीज़ दिए हैं, एक घंटा लग गया भाई ये ऑर्डर डिलीवर करने है मेरे को, एक घंटा भाई बहुत टाइम होता है। चलिए, अरे बाप रे भाई, हर रेस्टोरेंट दूर है 7.5 किलोमीटर कहीं भी, देखते हैं भाई अब क्या मिलता है, ऐसा उम्मीद नहीं है मेरे को इतनी जल्दी कुछ मिलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं भाई, जोमेटो के भरोसे तो भाई बहुत दूर आ गए, कंजावला विलेज। तो दोस्तों 17 किलोमीटर का ऑर्डर था भाई जो लास्ट डिलीवर किया है, जिसके हमें मिले 190 रुपये, और अरे वाह भाई ऑर्डर आ चुका है पश्चिम विहार सैंडोज, वहीं से भाई लगभग 68 का ऑर्डर है, और हमें ये लेके कहाँ जाना है भाई, देखें एक बार। ये जाना है भाई सरस्वती विहार पीतमपुरा, अरे बढ़िया बढ़िया, 68 का ऑर्डर है भाई, हमें टोटल 125 की इनकम चाहिए यार बस भाई, मिल जाए किसी तरीके से। अरे ये देखो भाई पुलिस वाले तक, मतलब रेड लाइट का कुछ है ही नहीं यार, पुलिस वाले भी क्रॉस करते हैं रेड लाइट। चलिए कोई नहीं दोस्तों चलते हैं भाई, ये 68 का ऑर्डर है कंप्लीट करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी अमाउंट और रह जाएगी,
फटाफट जोमेटो पर हमारे पैसे पूरे करा दे और इंसेंटिव दे दे तो शायद जाना सफल हो जाए भाई। वरना जोमेटो ने तो आज पूरा एक्सपीरियंस की मैं क्या बोलूँ यार, बैंड बजा दी बस। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा ही ऑर्डर है भाई, एक चिकन सीख रोल सैंडविच से। भाई सही है यार, भाई डिलीवर तो कर दिया, कर ही रहा हूँ बस, कस्टमर आ रही है मैम नीचे बट। अरे यार डॉगी भाई हर जगह दिख जाते हैं, पता नहीं क्या है, रात को डॉगी डॉगी दिखते हैं बहुत। आ गई मैम, एक सेकेंड दे दे भाई फटाफट लीजिए। वेलकम। तो दोस्तों ऑर्डर हमने कर दिया भाई डिलीवर्ड, ऑर्डर हमने मार्क कर दिया डिलीवर्ड। ये अच्छा यार मैडम नीचे आ गई, हमें ऊपर जाना नहीं पड़ा। और इसमें हमें मिले हैं भाई 68 रुपीज़, 26 मिनट में हमने डिलीवर किया। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर करते हैं भाई, आई होप कोई ढंग का ऑर्डर आ जाए भाई हमारे घर के साइड का, बिकॉज हम होम रूट नहीं लगा पा रहे। अरे 62 रुपये का ऑर्डर आ गया भाई, और ये जाना कहाँ है भाई हमने, ज़रा देखे ज़रा। अरे डॉगी बाबा, अरे वाह पश्चिम विहार, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर दिया भाई। 1.5 किलोमीटर से पिकअप और हमें जाना पश्चिम विहार, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब मैं भाई कैमरा रख रहा हूँ अंदर और चलते हैं भाई। मैं आपको डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पे बताऊंगा भाई आज की अर्निंग फाइनल क्या हुई मेरी। चलो चलो हाँ। तो दोस्तों मिलते हैं भाई आपसे मोबाइल स्क्रीन पे डायरेक्ट। हेलो दोस्तों, तो अब टाइम आ गया आज की अर्निंग्स बताने का। भाई आज जो मैंने जोमेटो पे काम किया, मैंने काम किया भाई 10 जून को। भाई 10 जून को अगर देखें तो काम किया मैंने भाई 562 रुपये का, और उसमें मेरे को 56 रुपये तो भाई वो मिला लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे। तो 562 का काम ठीक ठाक था यार, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और इसमें भाई जो मैंने सैटरडे का ऑफ़र था ना वो भी कंप्लीट किया, और संडे को भी भाई सेम ही ऑफ़र चल रहा है ऐसे। खुल जा बाबा, हाँ खुल गए भाई। सैटरडे को जो ऑफ़र था ना वो जो कंप्लीट किया मैंने ये है भाई, 525 पे 150 का इंसेंटिव। हाँ ठीक है यार, 525 की अर्निंग पे 150 का इंसेंटिव, तो टोटल जो अर्निंग मेरी हुई भाई वो हुई है 712 रुपये। 712 में भाई इसमें जो मेरी गाड़ी चली ना टोटल भाई, घर तक आने तक मेरी गाड़ी चली है 85 किलोमीटर। हाँ ये इलेक्ट्रिक थी तो भाई बेनिफिट हो गया मेरे को, पर यार अगर पेट्रोल गाड़ी से कोई करेगा भाई कैसे बेनिफिट होगा यार। मैं 17 किलोमीटर का ऑर्डर लेके गया हूँ और 17 किलोमीटर में खाली भी आया हूँ पूरा। उस जिस रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर उठाया था ना भाई 17 किलोमीटर कंजावला विलेज का, वहीं तक पूरे रेस्टोरेंट तक मैं खाली आया हूँ। फिर उसी रेस्टोरेंट से मेरे को सेकंड ऑर्डर भी मिला था उस रेस्टोरेंट के पास आने से, तो यार इतना तो रहा ना डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस था। हाँ ये है कि फिर भी इनकम ठीक है यार थोड़ा बहुत, अगर आप देखा जाए 85 किलोमीटर के हिसाब से 712 रुपये की इनकम तो ठीक है। मैं कहूँगा यार आप लगा लीजिए, अगर 150-160 रुपये का तेल भी लग गया तो क्या बोला, 562 की इनकम अपनी पूरी हो गई। हाँ ये बेटर है बस जोमेटो में, पर भाई ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ बहुत करना पड़ता है, और जोमेटो कोई भरोसा नहीं भाई कब कहाँ भेज दे, ड्रॉप लोकेशन तो हमें पता चलती नहीं है, तो भाई कभी भी कहीं भी भेज सकता है जोमेटो कभी भी कहीं भी भेज सकता है। मतलब आपने देखा भाई कीचड़ में कैसे, छोटा सा ऑर्डर था भाई 1.5 किलोमीटर का, 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, हंस से 7-8 मिनट लग जाते यार, बट भाई उस ऑर्डर को डिलीवर करने में ना मेरे को 20-25 मिनट लगे भाई, इतना कीचड़ दिमाग लगाना पड़ा भाई कैसे जाऊँ। तब जाके और जहाँ गाड़ी खड़ी की ना भाई, वहाँ भी पीछे का भैया कीचड़ में घुस गया भाई, निकालने में ऐसी तैसी हो गई थी मेरी पूरी गाड़ी को, भैया घूमता जा रहा था पूरा। तो उसकी वीडियो नहीं बना पाया बट भाई बहुत बुरी हालत थी, कोई भरोसा नहीं है भाई, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा बस। बिकॉज यार दिन में तो उस वक्त दिन था, थोड़ा रोशनी थी तो काम चल गया, रात के टाइम पे ऐसे ऑर्डर भाई बहुत खतरनाक है। और भाई ऊपर से जो डॉगी घूमते हैं उनका तो एक अलग ही जवाब है भाई, डॉगी का कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों यही था आपके सामने मेरी आज की जोमेटो की अर्निंग, और जो मैंने 712 का काम किया, अभी इंसेंटिव भाई पे आउट में ऐड होके आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।